सब्सक्राइब पे क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पा सकें। ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सबका मेरी नई वीडियो में। आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ वीरवार व्रत के बारे में, उसका उद्यापन, आप कैसे क्या क्या सामग्री यूज़ करते हैं और वीरवार का व्रत आप कैसे रखते हैं, तो और साथ ही आपको जो वीरवार का व्रत रखना है वो कैसे रखना है मैं वो बता देती हूँ। पहले तो वीरवार का व्रत, जैसे आप जानते हैं, वीरवार को किया जाता है। इस दिन आप सुबह जल्दी उठें, नहाएं, आपको साबुन से नहीं नहाना है, आपको नहाने में बेसन का यूज़ कर सकते हो, बाल बिल्कुल भी नहीं धोने हैं आपको, नॉर्मल नहाएं, पीले कपड़े, पीले वस्त्र धारण करें। पूजा के वक्त आप सर ढक के रखें, काले बाल नहीं रखने चाहिए। इस दिन आप दाढ़ी मूछ, जो आपके परिवार के लोग हैं वो दाढ़ी मूछ ना बनवाएं, उन्हें बोल दीजिए, और नाखून भी ना काटें, घर में झाड़ू पोछा भी नहीं करें। इस दिन आप पीले वस्त्र धारण करें, फिर उसके बाद आप अपनी थाली तैयार करें, पूजा की जो थाली होगी वो तैयार करें। उसमें आप क्या क्या रखेंगे, देसी घी का दिया, धूप, चने की दाल, पीली हल्दी, और सबसे इम्पोर्टेंट जो पुस्तक किताब होगी वीरवार व्रत कथा वो, और साथ ही अमृत तैयार करना है, आपको जल तैयार करना है, उसमें आपको डालना है गुड़, चना और पीली हल्दी। उसके बाद आप पूजा के लिए तैयार हो जाएं। पूजा करने के लिए आप पीले वस्त्र ही धारण करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपका हेयर भी नहीं दिखने चाहिए, सर भी पूरा ढकना है, ऊपर से नीचे तक आपको पूरा पीले वस्त्र ही धारण करने हैं। अब आप पूजा करने के लिए बैठें, आसन लेंगे, जो आप जिस पे आप बैठ के पूजा करेंगे वो पीला ही होना चाहिए, आप पीला टॉवल ले लीजिए मार्केट से और उसे सिर्फ आसन के लिए ही यूज़ करें, किसी और पर्पज़ के लिए ना करें। पीले वस्त्र लें और उसका पीले फूल भी बहुत जरूरी है, पीले फूल भी साथ में रखें पूजा के लिए। अब आप तैयार है पूजा करने के लिए। और एक और बात, जब आप पूजा करेंगे तो श्री गणेश भगवान जी का नाम भी जोड़ लें। जैसे कि हम सब जानते हैं, हिंदुओं में सबसे पहले गणेश भगवान का पूजा की जाती है, तो श्री गणेश भगवान का नाम भी जोड़ लें। ओम गम गुरवे का भी जाप करें, ये बृहस्पतिवार का मंत्र है, ओम गुरवे नमः। जब आप जल चढ़ाएं पूरा दिन इसी मंत्र का जाप भी करते रहें। व्रत के पहले दिन आप संकल्प ले लीजिए, संकल्प में आपको लेना है कि आप इतने दिन के व्रत रखेंगे और अपनी जो मनोकामना है वो भगवान के सामने रखें और उन्हें कहें कि हम रुद्राक्ष फूलों करेंगे, अपनी श्रद्धा अनुसार हम व्रत रख रहे हैं, और अपना संकल्प लें इस तरह से पहले दिन आप जब आप पूजा करेंगे उस दिन। साथ ही आप भगवान से माफ़ी भी मांगें, हल्के से आपको कान पकड़ के भगवान से माफ़ी मांगनी है कि अगर आपसे कोई गलती हो जाए पूजा में, भूल चूक हो जाए, तो उसके लिए वो आपको क्षमा कर दें। आप उनके बच्चों की तरह है, भगवान के बच्चों की तरह है हम, तो हमसे अगर पूजा में कोई गलती हो जाए तो उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए। हम पहले से ही क्षमा मांग रहे हैं, हम जितनी अपनी इच्छा है, जितने हम कर सकते उससे आपकी पूजा कर रहे हैं, पर अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हम उससे उसके लिए क्षमा मांग रहे हैं। केले के वृक्ष के पास जाके बैठें, उसके बाद सबसे पहले आप तिलक करें केले के वृक्ष को और अपने भी तिलक लगाएं, फिर जल चढ़ाएं जो हमने अमृत तैयार किया है, फिर उसके बाद धूप करें, जोत जगाएं, फिर आप कथा पढ़ें, उसके बाद आरती करें, और उसके बाद आप अपने जो भी आपका दिन का एक्टिविटीज़ है वो कर सकते हैं। जैसे हम व्रत रखते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि हमें फल नहीं मिल रहा, अगर आप पूरे रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करेंगे तो आपको रिजल्ट कहाँ से मिलेगा। हम लोग एग्ज़ाम देते हैं, अगर आप सही आंसर नहीं लिख के आओगे तो आपको क्या सही मार्क्स आएंगे, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर आप सही रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करेंगे तो आपको उसका फल कैसे मिलेगा सही। तो बस वही चीज़ है, वीरवार के व्रत को इसलिए थोड़ा टफ भी बोला जाता है कि आपको सारे रूल रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं। कुछ व्रतों में होता है कि भगवान माफ़ कर देते हैं, लेकिन वीरवार के व्रत में बृहस्पति भगवान के इसमें अगर आप गलती करते हैं तो आपको फल मिलना मुश्किल हो जाता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, सारे रूल रेगुलेशन फॉलो करें। इसके बाद पूजा करने के बाद आप नेगेटिव लोगों से दूर रहें, कोई गलत बात ना करें, नेगेटिव चीज़ें ना करें, झूठ ना बोलें और गलत अपने दिमाग में गलत सोच ना रखें। ओम गम गुरवे नमः का जाप करें, अच्छी बातें करें और बाल बांध के रखें, और उसके बाद शाम को आपको पूजा करनी है, दिन छिपे जब दिन छिप रहा होता है उस टाइम आपको जोत जगानी है और शाम को जल नहीं चढ़ाते पेड़ पे। फिर आप उसके बाद पूजा करें, भगवान की कथा पढ़ें और आरती करें, फिर तिलक लगाएं, खाना खाएं। पूरा दिन में आप पपीता खा सकते हैं, दूध भी ना पिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, चाय कॉफ़ी से दूर रहें। पपीता 3 टाइम खा लीजिए, सुबह पपीता खा लीजिए, दोपहर को पपीता खा लीजिए और रात को भी पपीता खा लीजिए। हाँ, रात को आपका खाना अलग है, वो मैं अभी बता रही हूँ। रात को आपको बेसन का हलवा खाना है देसी घी में, और आप बेसन का छीला भी बना सकते हो बिना लहसुन प्याज का और बिना नमक का, गुड़ का खाएँ और चीनी का खाएँ। इस तरह से आपको व्रत रखना है। कितने रखने हैं वो आप पंडित जी से पूछ लीजिए। मैं जैसे कि मैंने 16 रखे थे, 17वें 18वें वाले दिन उद्यापन कर दिया था। उद्यापन में जो सामग्री यूज़ होती है, अब मैं आपको उसकी लिस्ट बता देती हूँ।
उद्यापन की सामग्री है रोली 25 ग्राम, मोली 2, सुपारी 5, धूप 1 पैकेट, बताशे 100 ग्राम, लौंग इलायची 10 ग्राम, योगोपवीत 2, कपूर 1 पैकेट, माचिस 1, दिया 1, नारियल 1, मेवा 100 ग्राम, शहद 50 ग्राम, फल केला, सेब, मौसमी, कोई भी फ्रूट ले लीजिए। केला आपको खाना नहीं है इस दिन, ध्यान रखिएगा। केला आप दान कर सकते हैं पर आपको खाना नहीं है। फूलमाला 2, खुले फूल 2, मतलब 2 लिफाफे होते हैं जैसे कि, वो उतने काफ़ी है क्वांटिटी में। चावल 250 ग्राम, देसी घी 250 ग्राम, पीला कपड़ा 1.25 मीटर, हल्दी पाउडर 50 ग्राम, पान पत्ते 2, मिष्ठान मतलब पीले लड्डू चलेंगे वो आप रख लीजिए उद्यापन के लिए, फिर आप मंडी में जाके पंडित जी से उद्यापन करवा लें। हल्दी का तिलक अपने भी लगाएं और अपने परिवार वाले जो सदस्य हैं उनके भी हल्दी का तिलक अवश्य लगाएं। स्पेशली अगर आपकी शादी में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अपनी मम्मा को बोलें कि येलो कलर के कपड़े पहने और येलो कलर का उनका तिलक लगाएं, और पापा को भी येलो कलर का तिलक लगाएं, मतलब सभी के येलो कलर का तिलक लगाएं और अपने तो जरूर लगाएं येलो कलर का हल्दी का तिलक। इस तरह से आपको व्रत रखने हैं वीरवार के और उद्यापन करना है, फिर आपको फल अवश्य मिलेगा। नमक ना खाएं इस दिन और झूठ ना बोलें, नेगेटिव लोगों से दूर रहें, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी ना करें, स्ट्रेस ना लें, गुस्सा भी ना करें, शांत रहें और सुबह सूर्य होता है उसी टाइम उठ जाएं, सूर्य उदय होने से पहले उठ जाएं तो अच्छा रहेगा, और जब सूर्य ढल रहा होता है तो पूजा करनी है उस टाइम, और रात को सनसेट के बाद मैक्सिमम, मतलब आप सोच लीजिए 6:30-7 बज जाते हैं उस टाइम आपको खाना अपना खाना है जो व्रत का है, और उसके बाद आप सो जाइए। इस दिन ब्रश भी ना करें और झाड़ू पोछा ना करें और नाखून भी ना काटें, बाल भी ना कटवाएं, बाल धोएं भी ना। तो इस तरह से आपको वीरवार के व्रत रखने हैं और उद्यापन कराना है। कोई भी क्वेरी है, कुछ भी है, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, बट मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ सही बता रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद भी यही फॉलो किए हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि औरों की भी हेल्प हो सके। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें @heartfulness_om। नई वीडियो में आपको जल्दी ही मिलूंगी, ऊपर लिंक्स आ रहे हैं, आप वो देख के खोल के वीडियोज़ देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें नए और वीडियोज़ के लिंक के लिए, और जो फोटोज़ अभी आपने देखी वो सारी मेरे चैनल पे हैं, तो आप वो जरूर देखें। नई वीडियो में जल्दी मिलती हूँ, थैंक यू सो मच, टेक केयर। बता देती हूँ मैं कोई पंडित नहीं हूँ, प्रोफेशनल नहीं हूँ, मुझे इसकी कोई प्रोफेशनल नॉलेज नहीं है, बट ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने अपने सोर्सेज से इकट्ठा किया, अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ, और जो मेरे को इन्फॉर्मेशन है वो आपको बता रही हूँ।